शास्त्री नगर चलोगे? एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका और आप एक रिक्शा पकड़ के निकल जाना चाहती हैं? खैर चलिए आइए बैठिए, आपको बढ़िया चाय सिंगाड़ा खिलाते हैं। रिक्शा? अरे काहे हमारा शकल देखकर बमक जाती है मानो भूत देख लो जैसे। हाँ अच्छा, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपने भैया का इलेक्शन छोड़कर आ रहे हैं आपसे मीटिंग करने के लिए और तुम ओके भाव ही नहीं देती हमको। अरे काहे करती हो ऐसा यार, अरे काहे हमारा इतना इंसल्ट कर रही है। अच्छा कहो तो बाबूजी से बात करे का? हाँ लगन का टाइम चल रहा है, इस बार फिक्स कर देते हैं। बिल्कुल ही फिक्स कर लें, हमें पता है कहाँ पढ़ाते हैं वो। अरे जवाब तो दे दो, पूरा ललन टाप है आज। ना जाने क्या हो गया आजकल के लड़कों को, संस्कार और मर्यादा का पाठ भुलाकर रख दिया है सुशांत जैसे लड़कों ने। छिछोरापन करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। अरे लड़कों का छिछोरापन कोई नई बात तो है नहीं, आप क्यों इतने हैरान हो रहे हैं? अब आप पढ़ लिख गए तो आपको लगता है पूरा समाज बदल गया। पी लो चाय। अरे अब क्या जरूरत थी लड़की को ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए भेजने की, है? हम आपको पहले ही मना किए रहे, अब लड़की लोग घर से बाहर जाएंगे तो लड़का लोग तो पीछे पड़ेंगे ही ना। दोनों बाप बेटी ने मिलकर हमें बदनाम बस भी करो रखी जो मन में आए बोलती जा रही हो। अब हमारा घर से बाहर जाना और सुशांत का हमें तंग करना, इसका क्या रिलेशन है? माँ अभी लोगों की वजह से क्या हम घर पे मुंह छुपा के बैठे रहे? हमारा तो मन करता है कि उसे खींच के एक चमाट देना कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। दिमाग में गोबर भरा है क्या तुम्हारे? जानते नहीं हो सुशांत और उसके भाई कितने बड़े गुंडे हैं, पीछे पड़ गए ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं उनसे पंगे लेने की। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है गोरी, इस मामले को शांति से सुलझाना होगा। अब बहुत हो गया सुलझाना उलझाना, अब जल्दी से इसके हाथ पीले करके इसे विदा कीजिए। कल ही वो भागलपुर वालों को बुलाकर उनको हाँ करिए रिश्ते के लिए और इसका शादी कर दीजिए, वरना ये गुंडे लोग पीछे पड़े रहे ना तो इसका शादी हो गया। क्या बात है अम्मा, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे आ गया बेटा। कुछ नहीं बेटा, घर की बातचीत चल रही थी, तू जाके हाथ मुंह धो। अच्छा अम्मा आज तो दीदी भी फिर से गुस्सा रही थी ना। अरे बिटुआ काहे तू घर गृहस्थी की बातों में घुसी, अपना पढ़ाई बर्बाद करता है, ये सब तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। तू अपना तू सबका होमवर्क कर और हम तेरे लिए गरम गरम नाश्ता बना के ला। राजा बाबू मेरा। बहुत अच्छा किया आज आप सुबह सुबह बाजार आ गए हमारे साथ, पूरा महीने का सामान याद करके ले आए हैं। अब आपको गर्मा गर्म चाय बना के पिलाते हैं बढ़िया सा। इतना शर्म का बात है, हमारे होते हुए आपको मेहनत करना पड़ रहा है। आइए हम इसको घर में रख देते हैं अंदर, इसका जरूरत नहीं है। अरे क्या है फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बाबूजी? अरे आप अपने लोग हैं, आपकी सेवा करना ड्यूटी है हमारा। आइए अंदर चलते हैं। अम्मा जी राम राम। वो कहा है ना दिल के अंदर एक बात था जो आपसे कह रहा था, लेकिन सुधरा इलेक्शन के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल रहा, पूरा शहर में बोमा बोम हो रखा है। अरे अपना सरजू भैया ही जीतने वाला है इस बार का भी इलेक्शन हमेशा की तरह। हाँ तो अम्मा जी बात ये था कि मतलब हमें लग रहा था कि जब भैया एक बार जीत जाएंगे ना तो ही आएंगे आपके घर हम लोग खुशखबरी लेकर। हाँ बहुत अच्छा बात है, अपने भैया को भी हमारी तरफ से बधाई दीजिएगा। अब पर वो कहा है ना हम भी थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, हमारी बिटिया की शादी की बातचीत चल रही है। अब तुम तो जानते हो शादी ब्याह में 100 काम होते हैं, एक बार शादी फिक्स हो जाए ना तो तुम्हें भी कार्ड जरूर भिजवाएंगे, जरूर आना अपने सरजू भैया के साथ, लाइए हमारा सामान दीजिए। मजाक अच्छा कर लेती आंटी, वेरी गुड आंटी, बहुत बढ़िया। देखिए मजाक ना बढ़िया होता है सेहत के लिए, लेकिन एक बात कह दे रहे हैं आप, हमारी जिंदगी से अगर फन छीनने की कोशिश की ना तो मजाक बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हारी सेहत पे। बाबर जानते हो ना हमारा शहर में। खैर बढ़िया है, तैयारियां कीजिए जम के, पर हाँ ये दूल्हा वूल्हा देखना छोड़ दिए, दूल्हा हो चुका है फिक्स सुशांत सिंह यादव। लीजिए आपका सामान, हम भी बारात लेकर आते हैं। बस जी आज ही पत्रिका मिलवाकर पंडित जी से इसी महीने का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो नवीन का बड़ा भाई दुबई से आया है,
और उसके रहते ये शुभ काम हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। राजेश जी के लिए उपहार लाए रहे, वो लेके आओ जरा। दीदी लड़का इंजीनियर है और सरकारी नौकरी भी करता है, ये सब कुछ एकदम जल्दी हो रहा है कि हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि हमारे सपनों का क्या होगा। इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है गौरी, इसमें इस लड़की को तुम्हारे पापा ने बहुत सोच समझ के ही चुना होगा ना, और ये लड़का मुंबई का है, पढ़ा लिखा है, तो आई एम श्योर कि वो नई सोच का भी होगा। सब लड़के एक जैसे नहीं होते गौरी, और हो सकता है कि राजेश अच्छा लड़का हो, है ना? हाँ दीदी, शायद आप सही बोल रही हैं। आप तुम्हारी तरह तुम्हारे परिवार वाले भी ना समझने के लिए ना इतने प्यार से समझा, उसको लगता है सीरियसली नहीं लिया वो हमको। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, छोड़ो। ये ब्यूटी पार्लर, अपनी जबान बंद रख समझी, वरना जिंदगी भर ऐसी कुटाई करेंगे ना तुम्हारी, लाली पाउडर नहीं लगा पाओगे जिंदगी भर समझी। तुम प्यार किया तुमसे हम, टाइम इन्वेस्ट किया हम, मसाला कोई और तुमसे शादी करेगा क्या? ये जो गलती कर रहे हैं तुम्हारे माँ बाप ने, वो खुद सीधा करेंगे, अपने तरीके से सीधा करें उसको बताओ। अरे प्यार करते हैं तुमसे हम, अरे जानते हो चुप भी रहती हो ना तुम भी, कहीं ना कहीं हमसे प्यार करती हो, बताओ प्यार करती हो हमसे? अरे बताओ गौरी प्यार करती हो हमसे? प्यार करती हो नहीं करती मुझसे तुम गौरी? बाहुबली सरजू यादव के छोटे भाई ने लड़की से छेड़छाड़ करने पर खाया सरेआम तमाचा। वाह बहुत नाम रोशन कर रहे हो, दिल तो भागो भाग हो गया। अगर इतनी ही तुम्हारी जवानी फूट रही है तो हमें बताइए ना, हम इंतजाम किए देते हैं। ये क्या लौंडियों से थप्पड़ खा रहे हो भाई? हमारी थोड़ी बहुत रेपुटेशन बनी बनाई को क्यों बाजार में उछाल रहे हो? तो भैया बस आप तो चुप ही रहिए, अगर अभी भी मन नहीं भरा ना तो जाइए दो चार थप्पड़ अपने मुंह पर और मरवा लीजिए। वाह बहुत नाम रोशन कर रहे हो, दिल तो भागो भाग हो गया। अगर इतनी ही तुम्हारी जवानी फूट रही है तो हमें बताइए ना। दीदी आजकल हमारा मन बहुत ज्यादा उदास रहता है। क्या हुआ? कुछ भी करने का मन नहीं करता, आज दो दिन हो चुके हैं और माँ ने हमसे अभी तक बात नहीं करी है। माँ को अभी ऐसे लगता है कि हमें सुशांत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तो दीदी ऐसे में हम अपना बर्थडे कैसे मना सकते हैं? अरे ऐसे कैसे बर्थडे नहीं मनाना, जिंदगी में खुशी के मौके वैसे भी बहुत कम आते हैं, उन्हें ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, और सुशांत के लिए तो बिल्कुल नहीं, समझी? थैंक यू दीदी, आज आपकी वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कान तो आई। कोई बात नहीं, एंजॉय योर डे। थैंक्स दीदी, बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। अरे तुम क्यों समझ नहीं रहे हो, ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है। अरे इसकी शादी होने जा रही है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? देखो मैं जानती हूँ उस दिन इसने तुम पे हाथ उठाया था, पर थोड़ी घबराई हुई थी ये, पर मेरा यकीन मानो इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई पैर नहीं है। बस सब भूल जाओ और प्लीज खत्म करो सब। वही करने आए हैं, सब खत्म, कल से चेहरा भी नहीं देखेंगे इसका। अरे हम क्या, इस गली का भी नहीं इसका चेहरा देखेगा।
ए गौरी,